रियासी में जंगल में आग से वन संपदा का भारी नुकसान, आग बुझाने के लिए ली जा रही ड्रोन की मदद। पुलवामा के नेहामा इलाके में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, इलाके को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा, इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। अखनूर के कलीथ में हुआ बड़ा हादसा, कलीथ से सैलेवाली जा रही मिनी बस अनियंत्रित होकर पलटी, करीब 18 यात्री जख्मी, 2 की मौत। चुनाव नदी में आत्महत्या का प्रयास कर रहे व्यक्ति का पुलिस ने किया रेस्क्यू, व्यक्ति के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई के लिए जताया आभार। किश्तवाड़ पुलिस ने ड्रग डीलर को किया गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी, मामला दर्ज, जांच जारी। राजौरी के बथूनी इलाके में चोरों ने किराने की दुकान पर किया हाथ साफ, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में आज आ सकता है फैसला, हिमाचल विधानसभा में स्पीकर करेंगे सुनवाई, कांग्रेस विधायक ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की, तीनों निर्दलीय विधायकों को आज देना है जवाब। चुनाव आयोग ने हिमाचल में मतदान के आंकड़े किए जारी, करीब 72% हुआ मतदान, सबसे ज्यादा मंडी लोकसभा सीट पर, 73% से ज्यादा मतदान। लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना केंद्रों पर तैयारियां जारी, केंद्र बने स्कूलों में आज और कल अवकाश, कड़ी सुरक्षा में रखी गई ईवीएम मशीनें। चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतगणना को लेकर जारी कर सकता है दिशा निर्देश, कल होनी है मतगणना। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एग्जिट पोल को सिरे से किया खारिज, कहा लोकसभा की 2 सीटों पर कांग्रेस को फायदा, 2 में टफ फाइट, अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी कांग्रेस मजबूत, विधानसभा उपचुनावों में 6 में से 5 सीटें जीत रही कांग्रेस। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस पर कसा तंज, 4 जून को ईवीएम को कोसने की तैयारी में कांग्रेस, हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी की लहर, लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दिए वोट। चंबा के खजियार मार्ग पर हुआ कार हादसा, हादसे में चालक की मौके पर मौत, मृतक का चंबा के सरू का रहने वाला, पुलिस से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। नालागढ़ के रामशहर में विशाल कुश्ती दंगल में किया गया आयोजन, दंगल में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली के पहलवानों ने की शिरकत, कुश्ती दंगल में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बाबा हरदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। ऊना में प्रचंड गर्मी के चलते दो दिन और बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां, 5 जून को खुलेंगे स्कूल। नेहरा गांव में जंगल में मिला सड़ा गला शव, दूसरे राज्यों का रहने वाला था मृतक, कबाड़ इकट्ठा करने का करता था काम, पुलिस ने की मामले की जांच। न्यूज 18 के मेगा पोल में तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार का अनुमान, एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान, तो इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटों का लगाया अनुमान, हिमाचल में 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान। कानपुर में जर्जर मकान हुआ जमींदोज, घर के अंदर मौजूद लोगों को निकाला गया बाहर, बेकनगंज थाने के हीरामन पूर्वा का मामला। हरदोई में पानी की टंकी से 3 युवक गिरे, सिरफिरे युवक को उतारने के चक्कर में गिरे, रात में नीचे उतारने के दौरान हादसा। गाजियाबाद में मुठभेड़ में 2 बदमाशों में लगी गोली, बदमाशों पर लूट, हत्या के कई मुकदमे, 2 तमंचे, कारतूस, बाइक बरामद। हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, एनएचएआई ने टोल टैक्स में की 5% की बढ़ोतरी, आज से लागू होंगी नई दरें। मेरठ के गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर कार में लगी आग, कार सवार 5 लोग जिंदा जले, 4 मृतकों की नहीं हो सकी पहचान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चुनाव के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, रिमाल तूफान और हीट वेव को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी आवास पर बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद, मतगणना से पहले अहम मीटिंग। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा ही एग्जिट पोल नहीं फिक्स्ड पोल, इंडिया गठबंधन जीत रही 295 सीटें। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, बोले एग्जिट पोल के साथ एग्जिट पोल में भी बन रही बीजेपी की सरकार। प्रयागराज में एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का एग्जिट पोल पर बड़ा बयान, कहा एग्जिट पोल के आंकड़े गलत, इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगा सरकार। शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर बेकाबू, बस और कार की टक्कर, हादसे में 22 यात्री जख्मी, 3 की हालत गंभीर। कानपुर के पनकी इलाके में संदिग्ध हालत के में पंचर की दुकान में लगी आग, चंद मिनट में दुकान जलकर राख, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कासगंज पुलिस का अपराधी के खिलाफ एक्शन, गैंगस्टर संजय और उनके परिवार की 1,17,00,000 की अवैध संपत्ति जब्त। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी इंटेलिजेंस ऑफिसर को किया गिरफ्तार, गृह मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। जौनपुर में बेकाबू ट्रक और कार की हादसे में टक्कर, हादसे में कार सवार की शख्स की मौत, 3 की हालत गंभीर। आगरा में भारतीय महिला क्रिकेटर पूनम यादव की जमीन पर भूमाफिया ने किया कब्जा, बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चाहर ने मुलाकात कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। आगरा में नार्कोटिक्स और पुलिस का गांजा तस्करों पर शिकंजा, 2 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में अफीम, गांजा चरस बरामद। नोएडा के सेक्टर 8 की एक निजी कंपनी में लगी आग, फाइटर कंपनी ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग को कराया खाली, आग लगने की वजह साफ नहीं।
जालौन में खेल खेल में बच्चों ने लगाई आग, हादसे में झुलसकर एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। चुनाव के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, रिमाल तूफान और हीट वेव को लेकर समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मतगणना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने की प्रत्याशियों के साथ बैठक, सभी को काउंटिंग पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश, इलेक्शन कमीशन से मिले इंडिया डेलीगेशन। देश भर में महंगा हुआ दूध, अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का ऐलान। एग्जिट पोल नतीजों में तीसरी बार मोदी सरकार आने के अनुमान का शेयर बाजार पर असर दिखना तय, विशेषज्ञों ने बाजार खुलने पर रुपए की कीमत के साथ शेयर बाजार में बड़ी उछाल की जताई उम्मीद। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेल हादसा, मालगाड़ी डिरेल होकर समर स्पेशल एक्सप्रेस के इंजन से टकराई। सलमान के घर पर फायरिंग मामले में एक और गिरफ्तार, हरियाणा के भिवानी से जॉनी वाल्मीकि गिरफ्तार, सलमान खान मामले में अब तक 5 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, मरहा बफलियाज में संदिग्ध लोगों के देखे जाने के बाद हुई फायरिंग। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ ने बॉर्डर के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन को किया ढेर, सीमा पर लगातार ड्रोन पकड़े जा रहे। रांची में विधानसभा के पास पहुंचा हाथियों का एक झुंड, खौफ में आए आसपास के लोग। कपाट खुलने के बाद हेमकुंड साहिब में हुई पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के बीच मौसम ने ली करवट। इसराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता, प्रदर्शनकारियों पुलिस में झड़प, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। एक्ट्रेस रवीना टंडन का मारपीट के आरोप लगाने वाली महिला से समझौता, पुलिस ने कहा ड्राइवर को भीड़ से बचाने के दौरान हाथापाई हुई, नशे में नहीं थी एक्ट्रेस। धोखाधड़ी और जबरदस्ती पैसे वसूलने के मामले में सनी देओल का बयान आया सामने, एक्टर के वकील ने सभी आरोपों को झुठलाया, कहा उन पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही ने 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, फिल्म छोटा भीम और भैया जी की हालत खराब, 50 करोड़ के करीब पहुंचे श्रीकांत। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हुई अदा शर्मा, 5 साल के लिए किराए पर लिया अपार्टमेंट, कहा यह जगह मुझे पॉजिटिव वाइब देती है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह पहुंची केदारनाथ, भाई को कर याद, हुई भावुक, कहा वो अभी भी मेरे साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पूरी की कमबैक फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग, कहा मेरी अब तक की सबसे मुश्किल फिल्म। वेकेशन पर रोमांटिक हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव और एक्टर सिद्धार्थ, वेकेशन फोटोज में बेहद ग्लैमरस दिख रही अदिति, सिट भी लग रहे हैं कूल।